नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। गरीब का कल्याण सरकार ने किया महिलाएं आत्मनिर्भर, प्रमुख ने महिलाओं को प्रशंसा पत्र आवास के स्वीकृत पत्र बांटे। दिव्यांग को ट्राईसाइकिल उज्ज्वला योजना के सिलेंडर का निःशुल्क वितरित किया। गरीब के कल्याण के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार ने काम किया। ऑनलाइन लाभार्थी के बचत खाते में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, पारदर्शिता से लोग फायदा ले रहे हैं। सरकार ने दिव्यांग, किसान, महिला, मजदूर, छात्र, शिशु सभी को सीधे लाभ दिए हैं। उक्त बातें जिले की ब्लॉक भेटुआ में गरीब कल्याण मेला और किसान कल्याण मेला का गरीब कल्याण दिवस के आयोजन पर प्रमुख क्षेत्र पंचायत समिति भेटुआ आकर्ष शुक्ल ने शनिवार को कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा और ब्लॉक प्रमुख भेटुआ श्री शुक्ल ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा साकार किया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर किया। गरीब कल्याण दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख आकर्ष शुक्ला ने 30 दिव्यांग लाभार्थी को ट्राईसाइकिल बांटे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर का निःशुल्क वितरित किया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के समूह सखी, बैंक सखी, बिजली सखी, स्वच्छता सखी को सम्मान पत्र, प्रशंसा पत्र महिलाओं को वितरित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना चयनित लाभार्थी को स्वीकृति पत्र का वितरित किया गया। अधिकारी इस दौरान खंड विकास अधिकारी भेटुआ हरीश चंद्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत राकेश कुमार दुबे, महिला और बाल विकास विभाग अधिक परियोजना अधिकारी पुष्पा मिश्रा के साथ ही साथ प्रधान बीडीसी प्रगतिशील किसान, भारी संख्या में लोग महिलाएं समूहों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के लोगों ने खूब प्रशंसा की। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।